गाइस वेलकम बैक विद एन न्यू व्लॉग। और भाई अभी टाइम हो रहा है आफ्टरनून के 3 o'clock और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं भाई मार्केट, क्योंकि हम मार्केट जा रहे हैं सो कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो आज भाई हम लेने जा रहे हैं आटा नूडल्स। अब भाई मैगी बहुत खा ली सो अब आटा नूडल्स पे आ जाते हैं, मतलब ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मैंने कभी आज तक अपनी लाइफ में आटा नूडल्स ट्राई ही नहीं किया है, ठीक है। सो इसलिए हम जा रहे हैं अभी मार्केट और लेके आते हैं आटा नूडल्स। जैसे मेरी बहन ने मंगवाए हैं, अब यार बहन मंगवा रही है तो वो सिर्फ अपने लिए तो मंगवाएगी नहीं, वी आर ऑल्सो देयर। सो इसीलिए भाई अभी हम जा रहे हैं मार्केट और लेके आते हैं और फिर सीधा पहुंचे हैं घर पे। भैया वो मिल जाएंगे आटा नूडल्स? कौन सा मिल जाएंगे? मैगी का आटा नूडल्स तो आप 4 पैकेट निकाल दो बड़े वाले, मतलब एक कितने का आधा पैकेट? 24 रुपये का, मतलब दो आते होंगे 24 वाले में, एक ही आता 24 वाले में, मतलब समझा नहीं। मैगी आती नॉर्मल 24 से कितना होता है, 100 रुपये में आ जाएंगे वो? हाँ तो फिर आप दे दो। सो भाई आटा नूडल्स तो ले लिए, लेकिन भाई मेरे को लग रहा था कि वो सिर्फ पतंजलि के आते हैं, लेकिन भाई ये तो मैगी के भी आते हैं। मेरे को पता ही नहीं था कि भाई मैगी के भी आते हैं। बाकी चलो ठीक है भाई, आज मैगी वाले आटा नूडल्स भी ट्राई करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैगी के सिर्फ मैदे वाले ही आते हैं जो जिसके अंदर मैगी मसाला होता है, मज़ा उन्हीं में ही है। लेकिन अब क्या करें भाई, इन्हें भी ट्राई करके देखते हैं एक बार, क्योंकि भाई टेस्ट अगर चेंज होता रहेगा तो मज़ा आएगा। देखो अच्छा बुरा टेस्ट चलता है, ठीक है, लेकिन चेंज भी होना चाहिए ना कुछ। अब बार बार एक ही नूडल्स खाते रहोगे तो क्या मज़ा। एक टॉप रेमन भी आता है, टॉप रेमन इज ऑल्सो गुड, और यिप्पी आता है, बट मैगी तो टेस्ट ही अलग है। लेकिन फिर भी वही है कि यार एक को कंटिन्यू खाते रहेंगे तो एक ना एक दिन आगे पक जाना है ही, ठीक है। सो इसलिए बाकी चलो ठीक है यार, किसी दिन टॉप रेमन ट्राई करेंगे, लेकिन सोच रहा हूँ कि एक चैलेंज बनाएंगे। अब चैलेंज तो समझ ही गए हो कि मैं चैलेंज किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये किस चैलेंज की बोल रहा हूँ मैं। वैसे ये आइडिया रियान का है, क्योंकि रियान ने मुझे बोला था कि भाई रक्षित एक चैलेंज बनाते हैं, ठीक है, ईटिंग चैलेंज। अब समझ जाओ कि वो ईटिंग चैलेंज किस चीज़ के बारे में होना चाहिए। बाकी चलो ठीक है, मैं आगे कुछ बोल ही नहीं रहा, कभी पता लगा कि मैं सच्चाई बोल दूँ, ठीक है, सच्चाई इन सेंस की मैं अपनी रियलिटी डाल दूँ सामने, और फिर भाई वो वाला व्लॉग गड़बड़ हो जाए, ठीक है, उस व्लॉग की सारी पोल खुल जाएगी। सो बाकी चलो ठीक है यार, अभी चलते हैं अपन घर और बनाते हैं चलिए मैगी को, आटा मैगी, और खाते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। सो भाई अभी फिलहाल हम घर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपना रेगुलर जो हम करते हैं आजकल, रेगुलर करते का मतलब है कि जूस, गन्ने का रस। सो आज फिर से जा रहे हैं भाई हम गन्ने का रस पीने के लिए। मैंने रियान को भी कॉल की थी बट वो कह रहा है भाई मैं सो रहा हूँ, मुझे मत उठा, मैं सुबह 7 बजे उठा था तो मैं नहीं आ रहा। क्या लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो भाई ये की बात थोड़ी होती है, एक तो गन्ने का रस इतना फेवरेट है मेरा, मैं बहुत कम लोगों को वो मतलब स्पॉन्सर बोलते हैं, नहीं ऑफर, बहुत कम लोगों को ऑफर करता हूँ और वो मना कर रहा है। बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम चल रहे हैं, उसे नहीं पीना मत पी, फिर बाद में बोलेगा भाई मुझे बता देता, और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ अभी जब मुझे वो शाम को मिलेगा ना तो उसका यही क्वेश्चन होगा अबे भाई तू मुझे क्यों नहीं लेके गया, इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैं 100%। सो भाई आज फिर से आ गए हैं, आज दोनों भाई, आज एक भाई है, आ जाओ भाई, क्या हाल है भूरे भाई के, कल आरिफ भैया थे आज आप हो और बड़े हो, हाँ बनाना बड़े जूस नया बनाओगे ना, तो बनाओ एक बड़ा, सबसे बड़ा ग्लास बनाओ एक। सो पहले तो बुरा भाई ये बता दे कि मैंने पैसे दे दिए तीनों बार के, दे दिए ना 100%, तो कोई ये ना, क्योंकि कल मैं आया था ना तो कल आ रही भाई ने कहा था कोई दिक्कत नहीं पैसे तो आते रहेंगे, और कल मैं देके भी नहीं गया था तो आज है ना दे दिए ना पैसे तीनों बार के, बस डेगी कन्फर्म होना जरूरी था। और भाई अपने भाई की दुकान है, भाई का नंबर डाल दूंगा मैं, कभी कोई दिक्कत हो ना, जूस और भी बहुत सारे काम है ना, जूस है, मूंगफली है, पॉपकॉर्न का काम है, फिर मूंगफली तो क्या सर्दियों की बात होगी, लेकिन पॉपकॉर्न वगैरह मतलब जो चाहिए ना वो उपलब्ध मुझे हो जाएगा चीज़ों में से। और गन्ने का रस तो फेवरेट है अपने गर्मियों में, तो भाई एक क्या मैं तो कई ग्लास पी जाता हूँ, खैर आज मैं कम पी रहा हूँ वरना कल तो बहुत पीता हूँ मैं। चलो ठीक है यार, ओके ब्रो। सो ये जो भी भाई वीडियो में आए थे ये थे अपने भूरा भाई, ये है आरिफ भाई के छोटे भाई, और
दोनों ही भाई एकदम बढ़िया है, मतलब अपने को तो कोई मना करता ही नहीं है भाई, तुम कितने भी क्लास पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे नहीं, लेकिन भाई मैंने कल भी बोली थी ये चीज कि बिजनेस अपनी जगह और भाई ये चीज दोस्ती यारी अपनी जगह। सो या तो दोस्ती यारी निभा लो या बिजनेस चला लो, दोनों में से एक चीज होंगी, क्योंकि अगर बिजनेस रहेगा तो फिर भाई दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी, खत्म मतलब कि दोस्ती को शामिल कम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा था कि या तो दोस्ती निभा लो या बिजनेस चला लो, क्योंकि भाई बिजनेस अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह है, बस मेरा तो ये मानना है। कल को मैं भी अपना बिजनेस खोलूंगा तो भाई बिजनेस एक जगह, दोस्ती अपनी जगह। हाँ, पर कभी कभी चीजें चल जाती हैं, पर भाई वो कभी कभी को रोज में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, वरना फिर वो दोस्ती नहीं और ना ही वो बिजनेस, वो फिर दोस्ती में दरारें और दुश्मनी बन जाती है। बाकी चलो ठीक है भाई, अभी चल रहे हैं घर पे और बनाते हैं आटा नूडल्स और चलते हैं घर पे वापस। तो भाई अपनी तो मैगी हो गई तैयार, अभी इसे डाल देते हैं प्लेट में। प्लेट कहाँ है भाई, ये रही, इसे डालते हैं प्लेट में और सीधा मिलते हैं आपको रूम में पहुंच के। भाई किचन में इतनी गर्मी हो रही है ना अभी, भाई मैंने अपने रूम में फैन भी पूरी फास्ट स्पीड पे चलाया हुआ है और यहाँ चल रहा है भाई अपना एसी, उसके बाद इतना अच्छा लग रहा है, मतलब उस क्या बताऊं। बाकी चलो ठीक है, इसे खाते हैं अब और इसका टेस्ट बताते हैं। टेस्ट काफी अच्छा है भाई इसका, थोड़ा थोड़ा मैगी से मैच कर रहा है ड्यू टू द मसाला ऑफ द मैगी, थोड़ा मसाले में चेंज है बट मैगी मसाला का टेस्ट इसमें आ रहा है। और बाकी नूडल्स आटे के हैं, बाकी टेस्ट काफ़ी बेहतरीन आ रहा है। सो मैं बोलूँगा एक बार ट्राई जरूर करना, जैसे ये है मैगी के आटा नूडल्स। सो अब मैं इसे पूरा खाता हूँ, पूरा खाने के बाद मिलता हूँ और आप भी ट्राई करें। दोबारा से आ गए हैं हम गाड़ी में, हमें आ गया एक अर्जेंट काम और अभी जा रहे हैं हम पापा के पास में, पापा से लेंगे बाइक और हेलमेट, फिर जाएंगे भाई हम उस काम से, क्योंकि भाई अपने पास लाइसेंस तो है नहीं, सो दैट्स व्हाई गाड़ी तो बहुत बड़ी चीज़ है, बाइक तो खैर, पर हाँ हम पूरे सेफ्टी मेजर्स यूज करते हैं जैसे कि हेलमेट लगाना एंड ऑल्सो दैट्स व्हाई। बाकी चलो ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ और चलते हैं पापा के पास, पापा की कॉल आ रही है सो चलते हैं। पापा की कॉल आ गई, पापा कह रहे हैं भाई जल्दी आ जा, मैं वेट कर रहा हूँ, तेरी तरफ फ्री न्यू मैं। सो भाई अभी जा रहे हैं और चलते हैं जल्दी से पापा के पास में और पापा को गाड़ी देते हैं और बाइक लेकर फिर निकलते हैं। और अब भाई मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगा, मतलब व्लॉगिंग नहीं करूंगा मतलब कि अब नहीं करूंगा, क्योंकि अब आ जाएगी हमारे पास में बाइक और भाई बाइक पे हाथ छोड़ के आप समझ सकते हो थोड़ा मैनेजेबल नहीं है, मैनेजेबल क्या मतलब दिक्कत हो सकती है कुछ भी, सो दैट्स व्हाई। बाकी चलो ठीक है, अब हम सीधा मिलेंगे घर पहुंच के जब हम अपने काम से वापस आ जाएंगे, मतलब जब हम अपने जिस काम से जा रहे हैं उस काम को करके वापस आ जाएंगे, अभी हमारा कोई काम नहीं। My days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. So, bhai, black hi bhag gaya, par white yahi pe hi hai, kyunki white hi nahi drithi hamare se white ko hum kitna hi haath dikha de ki maar rahe hain, ye wo nahi drithi bhai white hi, par koi dikkat nahi, वाइटी हमारी शेयर डॉग है भाई, जरा कोई दिक्कत नहीं भाई, शूज अपने आ गए हैं, इन्हें पहनते हैं और फिर निकलते हैं बैडमिंटन खेलने के लिए।